योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी आज अपना पुनर्जन्मोत्सव मना रहे हैं। प्रयागराज में पुनर्जन्मोत्सव के मौके पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी और बेटे बेटी के साथ रक्तदान किया है। इस मौके पर मंत्री नंदी ने लोगों से भी रक्तदान की अपील की है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, ऐसे में सभी को रक्तदान करना चाहिए। मंत्री नंदी ने कहा कि उन्हें इसकी कीमत वर्ष 2010 में 12 जुलाई को आज के दिन ही हुई थी, जब उनके ऊपर रिमोट बम से हमला हुआ था। उस दरमियान प्रयागराज के अस्पतालों में ब्लड की किल्लत थी। उसी समय उन्होंने यह महसूस किया था कि जो लोग भी सेहतमंद हैं उन्हें रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर दूसरों की जान बचाई जा सके। आज से ठीक 12 साल पहले आज ही के दिन इस समय पूरा प्रयागराज की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी और लोग मुझे ब्लड देने के लिए, मेरी जान कैसे बच जाए, सारे ब्लड बैंकों में भीड़ लगी थी। मेरे सहयोगियों की ब्लड दे रहे थे मुझे, मैं लहूलुहान हुआ, कितना खून मेरा बहा, कितने लोगों ने मुझे बचाने के लिए ब्लड दिया, मैं उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और हमने रक्त संकल्प संस्था को बधाई देना चाहता हूँ कि रक्त निर्भर प्रयागराज बने। अगर प्रयागराज में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारे रिश्तेदार नातेदार कभी कोई ऑपरेशन हो भाई भतीजे का, तो डॉक्टर कहते हैं पहले ब्लड ले आओ, तो हम डोनर ढूंढते हैं तब ब्लड मिलता है। जो समय का लॉस होता है उस समय कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सहयोगी समर्थक, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूं कि रक्त देने से एक तो 88% हार्ट अटैक की जो समस्या है उससे भी निदान मिलता है, ब्लड ठीक नहीं होता और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं, और हर स्वस्थ आदमी 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकता है। मैं अपील करता हूं ब्लड जरूर दें, और मेरी शुभकामनाओं के लिए जिन लोगों ने पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, मरीजों को फल वितरण कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, प्रदेश ही नहीं देश ही नहीं पूरी दुनिया में मेरे समर्थक सहयोगी जो भी, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारे लोग अभी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ब्लड दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रयागराज का ये पहला ब्लड कैंप होगा जिसमें अभी तक के सारे ब्लड कैंपों को में जितने भी लोगों ने जितनी यूनिट ब्लड दिया होगा उसको ये क्रॉस करेगा। और मैं फिर से अपने जन्मदिन पर आए हुए तमाम समर्थकों को, सहयोगियों को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। हम सबके प्रेरणा दर्शक मार्गदर्शक हैं, जो सिखाते हैं दिखाते हैं उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने लिए नहीं, हमें देश के लिए काम करना है, हमें प्रदेश के लिए काम करना है, हमें दुनिया के लिए काम करना है, हमें हमारे परिवार के लिए नहीं, हमारा परिवार पूरा प्रदेश है, पूरा प्रयागराज।